अनुराग कश्यप अपने यूनिक विजन के लिए क्रिटिक्स के वन ऑफ द फेवरेट डायरेक्टर माने जाते हैं। उनकी निर्देशित फिल्में जैसे ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, देवटी, गुलाल, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगले, ये सारी मूवीज क्रिटिकली हिट फिल्में हैं। अब इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इतने टैलेंटेड डायरेक्टर का डायरेक्शन में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था, और जब आया भी तो उनकी पहली ही मूवी रिलीज नहीं की गई, क्यों आइए जानते हैं। दोस्तों, अनुराग कश्यप बॉलीवुड की लाइमलाइट के शौकीन नहीं थे, उनका सपना वैज्ञानिक बनने का था। इसके लिए उन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज में एडमिशन भी लिया। बायोलॉजी की पढ़ाई करते करते वो थिएटर करने लगे। अब हुआ ये कि इस बीच अनुराग कश्यप को भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जाने का मौका मिला। कहते हैं यहाँ अनुराग ने 10 दिनों में 55 फिल्में देख डाली। विक्टोरिया की फिल्म बाईसाइकिल थीफ ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया। अनुराग को जुनून सवार हुआ और 5,000 रुपए के साथ मुंबई चले गए। पैसे खत्म हुए तो सड़कों पर भी सोना पड़ा। खैर, उनकी निर्देशित पहली फिल्म पांच थी। पांच दोस्तों की कहानी थी जो रॉक बैंड चलाते हैं और किसी वजह से क्रिमिनल बन जाते हैं। क्योंकि पांच एक क्राइम मेटल फिल्म थी, इसलिए ये फिल्म सेंसर बोर्ड ने प्रदर्शित नहीं होने दी। लेकिन अनुराग कश्यप ने मेहनत नहीं छोड़ी और आज देखिए उनकी नेटवर्थ $110 मिलियन यानी करीब 806 करोड़ के आसपास बताई जाती है। तो दोस्तों, अनुराग कश्यप के 50वें जन्मदिन के मौके पर उनसे जुड़ा ये किस्सा आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। डाउनलोड करें देवभूमि इनसाइडर ऐप।